हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन यदि आप ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आप धनवान बन सकते हैं। यदि आप अपार धन पाने के इच्छुक हैं तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहते हैं ना कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती है और देखती है कि कौन सा भक्त उनकी भक्ति में लीन है। इसलिए माना जाता है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा की तिथि को रात में जागकर माता लक्ष्मी की भव्य उपासना करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिनकी कुंडली में धन का कोई योग नहीं हो, इस दिन पूजा से प्रसन्न माँ लक्ष्मी उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। इस दिन धन पाने के लिए कैसे करें माँ लक्ष्मी की उपासना, यदि आप हमारे बताए हुए उपाय को करेंगे तो आप दिवाली पर जो माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है उसके समान ही आपको आज फल मिलेगा। रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, फिर उन्हें सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्र का कम से कम 11 बार आप जप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। यदि आप इस मंत्र का 11 बार जप करेंगे तो आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा और आपके घर माता लक्ष्मी जल्द ही आने लगेंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बस आपको इस मंत्र को 11 बार जप करना है और माता को दीपक और गुलाब के फूल अर्पित करने हैं और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपके घर पैसों की समस्या दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से भर देगी। तो दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।